प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन चल दी गई है और अपनी मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि बिजली कंपनी के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ पुरजोर विरोध करते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग रखी है। वहीं बिजली कंपनियों के आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से बिजली सप्लाई और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर भी असर पड़ेगा, जिसको लेकर बिजली कंपनी के कार्यपालन अभियंता आर ए मिश्रा ने बताया है कि कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए आपातकालीन व्यवस्था की गई है। रेगुलर कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है ताकि बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। मांग जो है आउटसोर्स कर्मी को संविलियन करने के लिए और संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने के लिए है। जो आउटसोर्स के साथ शोषण हो रहा है, कंपनी कर रही है, शासन कर रहा है, हम उसके पूरे खिलाफ हैं। कंपनी हमें बार बार आश्वासन देती है कि हम आपकी मांगें पूरी करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक हमारी मांगें कोई पूरी नहीं हुई है। 2013 में भी संकल्प लिया गया था कि हमारा नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक वो नहीं हुआ है। इसलिए हम शासन के खिलाफ आज एकजुट होकर पूरे आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी, सब साथियों के साथ मिलकर और हमारा उच्च विभाग भी सब मार्गदर्शन देते हुए हम एक साथ होकर इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें आउटसोर्स और संविदा कर्मियों का आह्वान है हड़ताल के लिए। तो छतरपुर जिले में भी हमारे यहाँ 177 हमारे इस डिवीजन के अंतर्गत आउटसोर्स कर्मचारी हैं और 15 संविदा वाले कर्मचारी हैं। वो सभी हड़ताल पर हैं और बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कुछ जो प्रमुख मांगे हैं उनके आधार पर लगातार उनका जारी है। इस हेतु अभी हमारा जो इतने सारे एक साथ कर्मचारी कम होने के कारण व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है। फिर भी हमने जो हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं उनको सब स्टेशन पर तैनात किया गया है, जो हर जगह पे अपनी बिजली बंद चालू सही समय पर कर रहे हैं।